हेलो फ्रेंड्स, मेरे रसोई टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम टमाटर ले लिए हैं। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। सारे टमाटर हम पानी में डाल देंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, टमाटर को हमने 10 मिनट के लिए पका लिया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। टमाटरों को हम निकालकर ठंडे पानी में डाल देंगे, इससे इसका जो छिलका होता है वो बहुत जल्दी उतर जाता है। टमाटर के सारे छिलके हम इस तरीके से उतार लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। टमाटरों को हमने छील लिया है, अब हम इसको टुकड़ों में काट देंगे। टमाटर को हमने टुकड़ों में काट लिया है, अब हम इनको मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से बारीक कर लेंगे। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मिक्सर में पीस लिया है, अब हम इसको फुल फ्लेम पे 10 मिनट तक पका लेंगे। टमाटर को हमने 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो मैंने इसमें 2 चम्मच पानी में 1 चम्मच का चौथा हिस्सा सोडियम बेंजोएट पाउडर डाला है। आप इसमें मिक्स करके 1 मिनट के लिए इसको पका लें। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से पका लिया है, इन्हें हम स्टोर करके 4 से 6 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। हमारी टमाटर की प्यूरी बनकर तैयार है।